Welcome back, my dear students. Myself Gourav. Today we are going to discuss about nucleic acids. In nucleic acids, क्या होते हैं? A nucleic acid भी basically एक प्रकार से biopolymer ही होते हैं, biomolecules. These are a type of biomolecules. अब ये कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? These are found in क्रोमोसोम्स. और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कुछ इस तरह की स्पीसीज होते हैं जो कि हेरिडिटी की जो प्रोसेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके, तो सेल के किसी भी सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. और जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये बेसिकली दो थिंग्स के बने होते हैं. नंबर वन, प्रोटीन पार्ट प्लस सम अदर बायोमोलिक्यूल, प्रोटीन पार्ट के अलावा जो दूसरे बायोमोलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं किसी भी क्रोमोसोम में उनको ही कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड्स. तो बेसिकली जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं और क्रोमोसोम्स हेरिडिटी की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो हम यहां पे डिफाइन भी कर सकते हैं न्यूक्लिक एसिड को, दैट न्यूक्लिक एसिड आर बायोपॉलीमर in which monomer unit is nucleotide, जिनकी मोनोमर यूनिट एक न्यूक्लियोटाइड है, इसलिए therefore न्यूक्लिक एसिड आर ऑल्सो कॉल्ड पॉली न्यूक्लियोटाइड. क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड के ही पॉलीमर है. ऑल्सो कॉल्ड पॉली न्यूक्लियोटाइड. तो इस डेफिनेशन को हम कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो एक टाइप से पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड की जो मोनोमर यूनिट है वो एक न्यूक्लियोटाइड है. अगर इस डेफिनेशन को हम एक केमिकल इक्वेशन की तरह से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड का हम अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे या अगर इसको पार्ट्स में हम ब्रेक डाउन करेंगे देन वी विल गेट व्हाट न्यूक्लियोटाइड्स. हमें इसमें न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे. अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड कि एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है. जब हम न्यूक्लियोटाइड को हाइड्रोलाइज करते हैं देन वी विल गेट थ्री थिंग्स और थ्री कॉन्स्टिट्यूटिंग मॉलिक्यूल. नंबर वन इज अ सुगर मॉलिक्यूल.
नंबर टू इज अ हेट्रोजीनियस नाइट्रोजिनस बेस, ये एक हेट्रोसाइक्लिक, नॉट हेट्रोजिनस, इट्स हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनियस बेस की एक ऐसी रिंग जो हेट्रोसाइकिल हो। हेट्रोसाइकिल रिंग उस रिंग को कहा जाता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर, इनमें से भी कोई एलिमेंट अगर किसी रिंग में प्रेजेंट है तो उस रिंग को हेट्रोसाइक्लिक रिंग बोला जाता है। अब हमने बात की है नाइट्रोजीनियस की। नाइट्रोजीनियस की मतलब कि वो जो हाइड्रोसाइक्लिक रिंग थी उसमें किसी एक कार्बन या हाइड्रोजन की जगह पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बेस, क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है। थर्ड स्पीसीज जो इससे हमें मिलती है दैट इज अ फॉस्फोरिक एसिड। तो इस टाइप से हमें इसमें तीन स्पीसीज मिलती है। सबसे पहले वन बाय वन करके हम बात करते हैं शुगर मॉलिक्यूल की। किसमें से हमें कितने टाइप की शुगर मिल सकती है। That can be of two types. Number one, beta D 2 deoxy ribose sugar. It's beta D 2 deoxy ribose sugar. And second one is a beta D राइबोस शुगर। यहां पे ये जो दोनों की दोनों शुगर्स लिखी हुई हैं, दिस बोथ आर इन फ्यूरन फॉर्म, दिस इज आल्सो इज इन फ्यूरन फॉर्म, इट्स आल्सो इज इन फ्यूरन फॉर्म। ये दोनों की दोनों ही फ्यूरन फॉर्म की हैं। अगर इनके स्ट्रक्चर को देखा जाए, इनका स्ट्रक्चर किस टाइप से होगा, देन दैट विल बी लाइक ऑक्सीजन अब क्योंकि बात हो रही है यहां पे बीटा की, देयरफॉर इट विल बी लाइक CH2OH एंड एच हेयर एच एन ओ एच एच ओ एच सी एच टू ओ एच एंड एच 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स कार्बन एटम्स आर कंप्लीटेड। इट इज अ टाइप ऑफ, अभी तक हमने इसमें यहां पे इसको डीऑक्सीडाइज इसको नहीं किया है, यहां पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एज इट इज अ फर्स्ट पोजिशन, दिस इज सेकेंड पोजिशन, थर्ड पोजिशन, यस, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन। तो यहां पे टू पे डीऑक्सी है, टू पे डीऑक्सी मीन्स कि यहां पे सिर्फ हाइड्रोजन आएगा, तो इट इज फर्स्ट टाइप ऑफ शुगर। सेकेंड टाइप में हम क्या करेंगे, वहां पे जो ओ एच लिखा था उसको एज इट इज लिख देंगे। जस्ट लाइक दिस H OH H OH CH2OH and
इट इज अ सेकेंड टाइप ऑफ शुगर, दैट इज बीटा डी राइबोस शुगर. अब इन दोनों शुगर के बेस पे ही हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है वो भी दो टाइप का हो सकता है. फर्स्ट वन वो जिसमें डीऑक्सी राइबो शुगर प्रेजेंट हो, और सेकेंड वन वो जिसमें राइबो शुगर प्रेजेंट हो. तो इस टाइप से जो दो न्यूक्लिक एसिड बनेंगे उनके नाम होंगे डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड. अगर इन दोनों एसिड्स को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें देन यहां से डीऑक्सी का डी, राइबोस से आर और न्यूक्लिक एसिड का एन, व्हाट विल बी गेट इन कैपिटल लेटर डी एन ए. डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सी का डी, न्यूक्लिक का एन और एसिड का ए हम यहां से लेंगे, इट विल बी डीएनए. और यहां से राइबोस न्यूक्लिक एसिड, दैट्स इट विल बी ऑफ आरएनए. तो यहां से हमारे पास दो न्यूक्लिक एसिड आ जाते हैं, फर्स्ट वन इज डीएनए एंड सेकंड वन इज आरएनए. अभी हमने सिर्फ बात की है शुगर के बारे में, अभी हम बात करते हैं बेस के बारे में जो हमें मिलता है किसी भी न्यूक्लिक एसिड के हाइड्रोलिसिस होने पे. जिस टाइप से हमें किसी भी न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करने पे दो टाइप की शुगर मिलती हैं, उसी प्रकार से बेस भी हमें दो टाइप के मिल सकते हैं. नंबर वन प्यूरिन बेस, दीज आर जस्ट द टाइप ऑफ बेसिस. सेकेंड वन इज पिरिमिडीन बेस. प्यूरिन बेसिस आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स. नंबर वन एडिनिन एंड गुआनिन. एडिनिन एंड गुआनिन, अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें देन व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ एडिनिन. इस टाइप से यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज ऑफ नॉट लाइक दिस लाइक दिस हाँ यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ एडिनिन बेस, जिसमें हमारे पास दो हेट्रोजीनियस रिंग है और दोनों में दो दो नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट हैं. ओके, दिस इज ऑफ एडिनिन. इसमें रेजोनेंस की वजह से इसको इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं लाइक नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हेयर ऐसे और इस टाइप से इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है. डिफरेंस दोनों में कहां पे आया, यहां पे इस रिंग में कि डबल बॉन्ड इस नाइट्रोजन और कार्बन और इस नाइट्रोजन कार्बन के बीच में एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में रहता है.
अगर इसकी नंबरिंग की बात की जाए तो नंबरिंग की जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस टाइप से इन दोनों रिंग्स में टोटल 9 एटम्स प्रेजेंट हैं। 9 एटम के साइक्लिक होने की वजह से ये दोनों रिंग फॉर्म हुई हैं। दिस वॉज अबाउट एडिनिन। और अब हम बात करें ग्वानिन के बारे में। अगर दैट इज अबाउट ग्वानिन, ग्वानिन का स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ओ हाइड्रोजन एंड यहां पे NH2 एंड लाइक दिस। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ गुआनिन। अब हम बात करते हैं पिरिमिडिन बेसिस के बारे में। जैसे प्यूरिन बेसिस दो टाइप के थे, तो पिरिमिडिन जो बेसिस हैं वो तीन टाइप के हैं, दैट्स यूरेसिल, थायमिन एंड साइटोसिन। पिरिमिडिन बेसिस, पिरिमिडिन बेसिस नंबर वन इज यूरेसिल, नंबर टू इट्स थायमिन एंड नंबर थ्री इज साइटोसिन। इनको हम यू टी और सी की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए, देन नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ओ, एनएच एनएच डबल बॉन्ड ओ, और ये हम इस तरह से, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ यूरेसिल। थायमिन का जो स्ट्रक्चर होगा, दैट्स डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री एनएच डबल बॉन्ड ओ और एनएच, इस टाइप से ये जो स्ट्रक्चर है इट इज ऑफ थायमिन। और अगर साइटोसिन की बात की जाए तो साइटोसिन का स्ट्रक्चर होगा NH2 एन डबल बॉन्ड ओ NH और कुछ ऐसा, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज ऑफ साइटोसिन। तो यहां पे कुल मिला के हमारे पास अभी तक 5 बेसिस प्रेजेंट हैं, जिसमें से 2 तो हैं प्यूरिन टाइप के और 3 हैं पिरिमिडिन टाइप के। इन सभी के स्ट्रक्चर हमने यहां पे डिस्कस कर लिए हैं। अभी अगर इनकी अबंडेंस की बात की जाए, इनके पाए जाने की बात की जाए कि ये कहां कहां पे प्रेजेंट होते हैं, देन यूरेसिल इज ऑलवेज प्रेजेंट इन आरएनए, दैट इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड। थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए, दैट इज डियोक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और अगर साइटोसिन की हम बात करें, साइटोसिन ये दोनों जगह पे प्रेजेंट होता है, मींस डीएनए में भी एज वेल एज आरएनए में भी, डीएनए एंड आरएनए बोथ, इट इज प्रेजेंट इन बोथ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब हम सुगर्स को डिस्कस कर चुके हैं, बेसिस को भी डिस्कस कर चुके हैं, अब बात करते हैं एसिड की, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड जो है, दैट इज ऑफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओ
OH एन OH, कुछ इस टाइप से होते हैं। तो अगर तीनों को मिलाया जाए, शुगर को, बेस को और फॉस्फोरिक एसिड को, देन व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट आवर न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड अगर बनाया जाए तो पहले हम बनाते हैं एक न्यूक्लियोटाइड, कि एक न्यूक्लियोटाइड किस तरह से बनेगा। दैट इज बेस, यहां पे शुगर और देन फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड इट इज व्हाट? दिस इज अ पॉली न्यूक्लियोटाइड, सॉरी दिस इज अ सिंपल न्यूक्लियोटाइड। ये एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट है। अगर इस यूनिट को बार बार रिपीट किया जाए, मींस मेनी टाइम्स इसका पॉलीमर बनाया जाए, तो वी राइट इट लाइक एन, तो ये बनेगा एक पॉली न्यूक्लियोटाइड। और पॉली न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? हमारे न्यूक्लिक एसिड। इसको हम फिर से रिपीट करके लिख सकते हैं कि यहां पे हम फिर से शुगर लिखें, शुगर को अटैच करें किसी बेस के साथ, देन फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। इस टाइप से ये जो सीरीज बनेगी, ये जो सीक्वेंस बनेगी, दैट इज द न्यूक्लिक एसिड। तो यहां पे हमने डिस्कस किया है न्यूक्लिक एसिड के बारे में, इसके कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में, दैट शुगर, बेस और एसिड। ओके, थैंक यू।